हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको एक टैबलेट के बारे में दिखाने वाला हूँ कि आप टैबलेट को एज ए लैपटॉप कैसे यूज कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो आपके पास एक टैबलेट होना चाहिए, वो किसी भी कंपनी का हो सकता है। आजकल मार्केट में 10.6 इंच के जो टैबलेट हैं वो अलग अलग कंपनियों के उपलब्ध हैं, जैसे कि आपका रेडमी का टैबलेट हो गया, फिर आपका मोटोरोला का टैबलेट हो गया, आपका वन प्लस का टैबलेट हो गया। तो ये सारे के सारे टैबलेट 15,000 से लेकर 20,000 के बजट में बड़े आराम से मिल जाते हैं, और इनकी जो स्क्रीन साइज मैक्सिमम से मैक्सिमम रहती है वो 10.6 इंच की है। यहाँ पे मेरे पास एक टैबलेट है और आप देख सकते हैं कि इस और दूसरी चीज़ जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो एक कवर होना चाहिए। ये मैंने टैबलेट को पूरा कवर से बंद करके रखा है। यदि आप इसकी बिल्ड क्वालिटी को देखेंगे तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लग रही है कवर की, ठीक है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी आप देखेंगे बहुत ही प्रीमियम है। ये कवर मेरे को करीब करीब 800 का पड़ा था, और ये इसके अंदर ये टैबलेट है और टैबलेट इसके अंदर है। अब मैं आपको जो चीज़ आगे दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, वो ये दिखाने जा रहा हूँ कि इसके बाद आपको जो है एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इस टैबलेट के होने के साथ साथ, वो है एक वायरलेस ब्लूटूथ कीबोर्ड की। तो टैबलेट के जो कीबोर्ड आते हैं वायरलेस रहते हैं, वो कुछ इस तरह के रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, यदि मैं आपको दिखा सकता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, और आप इसकी डिज़ाइन को देखिए, ये पूरी तरह से प्रीमियम वायरलेस कीबोर्ड है। और मैंने इसको टेप की मदद से, देसी जुगाड़ जिसे कहते हैं इंडिया में, उससे मैंने इसको चिपका के रखा है इसके कवर से। और ये आपका टैबलेट है, ये टैबलेट किसी भी कंपनी का हो सकता है। 10.6 इंच की स्क्रीन के जो टैबलेट हैं, लेनोवो का, रेडमी का और रियलमी का, बहुत सारे टैबलेट 10.6 इंच स्क्रीन के आपको आराम से 15,000 के बजट में मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पूरा रखा हुआ है इस तरह से। अब मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, मैं इसको एक लैपटॉप की तरह यूज करना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे पास ये गैजेट होना चाहिए दोस्तों। यदि मैं आपको इस गैजेट के बारे में दिखाऊँ तो ये एक मोबाइल होल्डर है। ये आपको बड़े आराम से मार्केट में मिल जाएगा। इसकी ज़्यादा कीमत और ज़्यादा प्राइस नहीं रहती है, ये बहुत ही कम कीमत में 300 तक में मिल जाते हैं। इसके बाद आपको करना ये है कि जब ये इस तरह से आपको मिल जाए, तो इसके बाद आपको करना ये है कि आपको टैबलेट लेना है अपना, ठीक है, और इसको कुछ इस तरह से रख देना है इस मोबाइल होल्डर को, और आपको अपने टैबलेट को उठाना है। मैं इसको ऐसे पिक कर लूँगा और टैबलेट को उठा के इसमें टिका लेना है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल टैबलेट इसमें टिक गया, और अब ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि लग रहा है जैसे एक लैपटॉप हो। ये बिल्कुल लैपटॉप की तरह दिख रहा है, ठीक है। अब यदि मैं इसमें ऐसे डबल टैप करूँगा तो ये आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी, और इसमें मैं कनेक्ट की बटन दबाऊँगा इसको ऑन करके, ठीक है। और इसमें मैं आपको कनेक्ट की बटन दबा के दिखाता हूँ, और इसको मैं फिर से ऑन करता हूँ, और ब्लूटूथ तो ऑन ही है, मुझे बस इसमें कीबोर्ड से इसे कनेक्ट करना होगा, और ये तुरंत ही कीबोर्ड से कनेक्ट भी हो गया, ठीक। आप इसमें बड़े आराम से आप ऑफिस का कोई भी काम कर सकते हैं, और आप इसमें कोडिंग सीखना चाहें तो कोडिंग सीख सकते हैं। और ये बिल्कुल एक सस्ती क्रोमबुक की तरह काम करेगा। देखिए, टैबलेट जो आता है बेसिकली प्राइस में आता है आपका 15,000 में, मिनिमम जो प्राइस होती है, ठीक है। क्रोमबुक भी आपकी 15,000 में आती है, ठीक है। क्रोमबुक भी जो है आपकी किस में आती है, 15,000 तक में आ जाती है, लेकिन वो टच स्क्रीन नहीं रहती। आपको 4,000 लगभग लगभग और एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं एक टच स्क्रीन क्रोमबुक लेने के लिए, और उसकी स्क्रीन भी काफ़ी बड़ी होती है। तो मेरे हिसाब से टैबलेट इस बजट में काफ़ी अच्छा लगता है। आगे जाके मैं आपको क्रोमबुक का भी रिव्यू दिखाऊंगा करके। आप इस कीबोर्ड को देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। चलिए इसमें कुछ ऑफिस का अपन काम करके देखते हैं। गूगल की अपनी ऑफिस की ऐप्स रहती हैं, जैसे कि आपको मैं एक ऐप दिखाता हूँ गूगल की, जो कि जिसको अपन गूगल की एक्सेल ऐप कहते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल है, लेकिन इसके लिए आपको प्राइस करनी पड़ेगी पेमेंट। तो मैं आपको गूगल की एक ऐप दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि गूगल सीट्स है। तो ये गूगल की जो सीट्स है ये बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसी ही रहती है, और इसमें आप जो कुछ भी काम करना चाहेंगे वो सारे काम अपन यहाँ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मैं कुछ चीज़ें दिखा रहा आपको,
ठीक, तो इसमें अपन ऑफिस का काम कर सकते हैं। एक ऐप और है जो कि वाकई में ऑफिस के लिए यूज होती है, उसका नाम है गूगल डॉक। वो गूगल का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रिप्लेसमेंट है। आप इसमें कुछ भी लिखना चाहें आप इसमें टाइप कर सकते हैं और ये आपको बहुत आराम से टाइप होगा। बिल्कुल ये एक लैपटॉप की तरह बिल्कुल शो हो रहा है। तो आप इस तरह का लैपटॉप या इस तरह का लैपटॉप बड़े आराम से 15,000 में बना सकते हैं और ये बिल्कुल मिनी लैपटॉप की तरह है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। मतलब आप कई सारा सामान इसके साथ ले जाइए, बहुत मजबूत है ये एक प्रकार से। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया, यदि आप मेरे कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ऐसा कंटेंट बनाने की और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है।